प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग अध्याय 7, जिसका शीर्षक है दुखद प्रसंग 2। निश्चित दिन आया। अपनी स्थिति का संपूर्ण वर्णन करना मेरे लिए कठिन है। एक तरफ सुधार का उत्साह था, जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का कुतूहल था, और दूसरी ओर चोर की तरह छिप छिप काम करने की शर्म थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि इसमें मुख्य वस्तु क्या थी। हम नदी की तरफ एकांत की खोज में चले। दूर जाकर ऐसा कोना खोजा जहां कोई देख न सके, और कभी न देखी हुई वस्तु मांस देखी। साथ में भटियार खाने की डबल रोटी थी। दोनों में से एक भी चीज मुझे भाती नहीं थी। मांस चमड़े जैसा लगता था। खाना असंभव हो गया। मुझे कह होने लगी, खाना छोड़ देना पड़ा। मेरी वह रात बहुत बुरी भी थी। नींद नहीं आई। सपने में ऐसा आभास होता था मानो शरीर के अंदर बकरा जिंदा होकर रो रहा है। मैं चौंक उठता, पछताता और फिर सोचता कि मुझे तो मांसाहार करना ही है, हिम्मत नहीं हारनी है। मित्र भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अब मांस को अलग अलग ढंग से पकाने, सजाने और ढकने का प्रबंध किया। नदी किनारे ले जाने के बदले किसी बावर्ची के साथ बातचीत करके छिपे छिपे एक सरकारी डाक बंगले पर ले जाने की व्यवस्था की, और वहां कुर्सी मेज बगैर सामान के प्रलोभन में मुझे डाला। इसका असर हुआ। डबल रोटी की नफरत कुछ कम पड़ी, बकरे की दया छूटी, और मांस का तो कह नहीं सकता, पर मांस वाले पदार्थ में स्वाद आने लगा। इस तरह एक साल बीता होगा, और इस बीच 5-6 बार मांस खाने को मिला होगा, क्योंकि डाक बंगला सदा सुलभ न रहता था और मांस के स्वादिष्ट माने जाने वाले बढ़िया पदार्थ भी सदा तैयार नहीं हो सकते थे। फिर ऐसे भोजन पर पैसा भी खर्च होता था। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए मैं कुछ दे नहीं सकता था। इस खर्च की व्यवस्था उन मित्र को ही करनी होती थी। कैसे व्यवस्था की, इसका मुझे आज तक पता नहीं है। उनका इरादा तो मुझे मांस की आदत लगा देने का, भ्रष्ट करने का था, इसलिए वे अपना पैसा खर्च करते थे। पर उनके पास भी कोई अखूट खजाना तो था नहीं, इसलिए ऐसी दावतें कभी कभी ही हो पाती थी। जब जब ऐसा भोजन मिलता, तब तब घर पर तो भोजन हो ही नहीं सकता था। जब माताजी भोजन के लिए बुलाती, तब आज भूख नहीं है, खाना हजम नहीं हुआ है, ऐसे बहाने बनाने पड़ते थे। ऐसा कहते समय हर बार मुझे भारी आघात पहुंचता था। ये झूठ सो भी माँ के सामने, और अगर माता पिता को पता चले कि लड़के मांसाहारी हो गए हैं, तब तो उन पर बिजली ही टूट पड़ेगी। ये विचार मेरे दिल को कुरेदते रहते थे, इसलिए मैंने निश्चय किया, मांस खाना आवश्यक है, उसका प्रचार करके हम हिंदुस्तान को सुधारेंगे। पर माता पिता को धोखा देना और झूठ बोलना तो मांस न खाने से भी बुरा है, इसलिए माता पिता के जीते जी मांस नहीं खाना चाहिए। उनकी मृत्यु के बाद स्वतंत्र होने पर खुले तौर से मांस खाना चाहिए, और जब तक वह समय न आए तब तक मांसाहार का त्याग करना चाहिए। अपना यह निश्चय मैंने मित्र को जता दिया, और तब से मांसाहार जो छूटा सो सदा के लिए छूटा। माता पिता कभी ये जान ना पाए कि उनके दो पुत्र मांसाहार कर चुके हैं। माता पिता को धोखा न देने के शुभ विचार से मैंने मांसाहार छोड़ा, पर मित्रता नहीं छोड़ी। मैं मित्र को सुधारने चला था, पर खुद ही गिरा, और गिरावट का मुझे होश तक न रहा। इसी सोबत के कारण मैं व्यभिचार में भी फंस जाता। एक बार मेरे ये मित्र मुझे वेश्याओं की बस्ती में ले गए। वहां मुझे योग्य सूचनाएं देकर एक स्त्री के साथ मकान में भेजा। मुझे उसे पैसे वगैरह कुछ देना नहीं था, हिसाब हो चुका था। मुझे तो सिर्फ दिल बहलाव की बातें करनी थी। मैं घर में घुस गया, पर जिसे ईश्वर बचाता है वह गिरने की इच्छा रखते हुए भी पवित्र रह सकता है। उस कोठरी में मैं तो अंधा बन गया, मुझे बोलने का भी होश न रहा।
मारे शर्म के सन्नाटे में आकर उस औरत के पास खटिया पर बैठा, पर मुंह से बोल न निकाल सका। औरत ने गुस्से में आकर मुझे दो चार खरी खोटी सुनाई और दरवाजे की राह दिखाई। उस समय तो मुझे जान पड़ा कि मेरी मर्दानगी को बट्टा लगा और मैंने चाहा कि धरती जगह दे तो मैं उसमें समा जाऊं। पर इस तरह बचने के लिए मैंने सदा ही भगवान का आभार माना है। मेरे जीवन में ऐसे ही दूसरे चार प्रसंग और आए हैं। कहना होगा कि उनमें से अनेकों में अपने प्रयत्न के बिना केवल परिस्थिति के कारण मैं बचा हूं। विशुद्ध दृष्टि से तो इस प्रसंगों में मेरा पतन ही माना जाएगा। क्योंकि विषय की इच्छा थी इसलिए मैं उसे भोग ही चुका। फिर भी लौकिक दृष्टि से इच्छा करने पर भी जो प्रत्यक्ष कर्म से बचता है उसे हम बचा हुआ मानते हैं, और इन प्रसंगों में मैं इसी तरह इतनी ही हद तक बचा हुआ माना जाऊंगा। फिर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से बचना व्यक्ति के लिए और उसके संपर्क में आने वालों के लिए बहुत लाभदायक होता है, और जब विचार शुद्धि हो जाती है तब उस कार्य से बच जाने के लिए वह ईश्वर का अनुग्रहित होता है। जिस तरह हम यह अनुभव करते हैं कि पतन से बचने का प्रयत्न करते हुए भी मनुष्य पतित बनता है, उसी तरह यह भी अनुभव सिद्ध बात है कि गिरना चाहते हुए भी अनेक संयोगों के कारण मनुष्य गिरने से बच जाता है। इसमें पुरुषार्थ कहाँ है, देव कहाँ है, अथवा किन नियमों के वश होकर मनुष्य आखिर गिरता या बचता है, ये सारे गूढ़ प्रश्न हैं। इसका हल आज तक नहीं हुआ और कहना कठिन है कि अंतिम निर्णय कभी हो सकेगा या नहीं। पर हम आगे बढ़ें। मुझे अभी तक इस बात का होश नहीं हुआ कि इस मित्र की मित्रता अनिष्ट है। वैसा होने से पहले मुझे अभी कुछ और कड़वे अनुभव प्राप्त करने थे। इसका बोध तो मुझे तभी हुआ जब मैंने उनके अकल्पित दोषों का प्रत्यक्ष दर्शन किया, लेकिन मैं यथासंभव समय के क्रम के अनुसार अपने अनुभव लिख रहा हूँ, इसलिए दूसरे अनुभव आगे आएंगे। इस समय की एक बात यही कहनी होगी, हम दंपत्ति के बीच जो जो कुछ मतभेद या कलह होता उसका कारण यह मित्रता भी थी। मैं ऊपर बता चुका हूँ कि मैं जैसा प्रेमी था वैसा ही वहमी पति था। मेरे वहम को बढ़ाने वाली यह मित्रता थी, क्योंकि मित्र की सच्चाई के बारे में मुझे कोई संदेह था ही नहीं। इन मित्र की बातों में आकर मैंने धर्मपत्नी को कितने ही कष्ट पहुंचाए, इस हिंसा के लिए मैंने अपने को कभी माफ नहीं किया। ऐसे दुख हिंदू स्त्री ही सहन करती है, और इस कारण मैंने स्त्री को सदा सहनशीलता की मूर्ति के रूप में देखा है। नौकर पर झूठा शक किया जाए तो वो नौकरी छोड़ देता है, पुत्र पर ऐसा शक हो तो वह पिता का घर छोड़ देता है। मित्रों के बीच शक पैदा हो तो मित्रता टूट जाती है। स्त्री को पति पर शक होता है तो वो मन महसूस कर बैठी रहती है, पर अगर पति पत्नी पर शक करे तो बेचारी पत्नी का भाग्य ही फूट जाता है, वो कहाँ जाए। उच्च माने जाने वाले वर्ण की हिंदू स्त्री अदालत में जाकर बंधी हुई गांठ को कटवा भी नहीं सकती। ऐसा एक तरफा न्याय उसके लिए रखा गया है। इस तरह का न्याय मैंने दिया, इसके दुख को मैं कभी भूल नहीं सकता। इस संदेह की जड़ तो तभी कटी जब मुझे अहिंसा का सूक्ष्म ज्ञान हुआ, यानी जब मैं ब्रह्मचर्य की महिमा को समझा और ये समझा कि पत्नी पति की दासी नहीं पर उसकी सहचारिणी है, सहधर्मिणी है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के समान साझेदार हैं, और भला बुरा करने की जितनी स्वतंत्रता पति को है उतनी ही पत्नी को है। संदेह के उस काल को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे अपनी मूर्खता और विषयांध निर्दयता पर क्रोध आता है, और मित्रता विषयक अपनी मूर्छा पर दया आती है। अभी हम सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा का भाग एक और उसका अध्याय 7। आइए अब उस पर कुछ विचार करें। आज के दौर में राजनीतिक विचारधाराओं को मानने वालों के बीच भक्ति भावना का एक उन्माद, उसकी एक परंपरा
देखने को मिल रही है। और ऐसे समय में क्या यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है कि हमें गांधी जी की भक्ति करनी चाहिए या नहीं? भक्ति शब्द का भारतीय संदर्भों में क्या अर्थ होता है, आइए जरा इस पर विचार करते हैं। भारतवर्ष सदियों से, बल्कि कहना चाहिए सहस्त्राब्दियों से, हजारों सालों से भक्ति या आराधना अपने अवतारों की करता रहा है। और ये बात परंपरा में, संस्कृति में इस तरह घुल गई है कि भक्ति का अर्थ मोटे तौर पर अंध भक्ति की तरह लिया जाने लगा है, जिसका मर्म ये होता है कि हम अपने आराध्य व्यक्ति की पूजा करें, उसकी आराधना करें, लेकिन उसकी तरह बन जाने, उसके सद्गुणों को अपनाने का कोई सार्थक प्रयास न करें, बल्कि उस आराध्य पुरुष के अवतरण की प्रार्थना करें कि वह आए और हमें उबार दे। इसके लिए हमें कोई मेहनत न करना पड़े सिवा इस भजन के, जिसमें हम अपने रोज बरोज के तनाव, रोज बरोज के झंझट और परेशानियां डुबो देना चाहते हैं। क्या समाज में रोज बरोज की ये झंझट, ये परेशानियां खत्म होंगी अगर हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे, अगर हम अपने अवतारों, अपने आराध्य पुरुषों या जिन व्यक्तित्वों को हम भक्ति के लायक समझते हैं उनके सद्गुण प्रतिक्षण अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे और सघन प्रयासों से उन सद्गुणों को अगर हम अपने जीवन में स्थायी और स्थिर रूप से नहीं ले आएंगे, तो क्या हम सामाजिक स्तर पर इन झंझटों, इन परेशानियों से मुक्त हो पाएंगे? और अगर नहीं हो पाएंगे तो कितने ही बड़े व्यक्तित्व के प्रति हम भक्ति करें, उसकी आराधना करें, भजन गाएं या खूब सारा प्रचार करें कि हमारे समाज में कितने महान लोग हुए हैं और हम उनके भक्त हैं, इस भक्तिगान का हमारे लिए और औरों के लिए कोई अर्थ नहीं होगा मेरी निगाह में। गांधी जी लगातार सद्गुणों की भक्ति करते दिखते हैं पूरा जीवन। कहीं से भी, किसी किताब से भी, किसी व्यक्ति के आचरण से, किसी कोने से जिंदगी के उनको जब जब कोई अच्छी बात दिखती है, कोई सद्गुण नजर आता है, वो तुरंत उसे अपने अंदर आत्मसात करने में जुट जाते हैं। और यही वह गुण है जो मेरे मत से गांधी को गांधी बनाता है। गांधी एक स्थिर व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि लगातार विकसित होता हुआ व्यक्तित्व है जो सद्गुणों की भक्ति करता है। तो भक्ति व्यक्ति की नहीं, सद्गुणों की हो, और भक्ति का अर्थ भी भजन गाना, दूसरे से अपेक्षा करना या गौरव गान करना न होकर उन सद्गुणों को, उन अच्छी चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में आत्मसात करना, यह भक्ति की परिभाषा होनी चाहिए। और तब ही सजग और जागृत होकर गुणों को अपनाने के लिए की गई भक्ति हम में और समाज के लिए फलदायक होगी, अन्यथा वह अंध भक्ति होकर हमें और समाज को, हमारे परिवेश को किसी न किसी तरह का
कुपरिणाम ही देगी।